वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी में मैनेजिंग स्ट्रेस करेंगे। मैनेजिंग स्ट्रेस में हम स्ट्रेस एंड व्हाट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और इसके नेचर क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ द बॉडीज रिएक्शन टू एनी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंज इन द बॉडी। स्ट्रेस इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ। यू हैव एन स्ट्रेस फ्रॉम योर एनवायरमेंट, योर बॉडी एंड फैमिली प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस क्या होता है? तनाव। स्ट्रेस इज़ द बॉडी रिएक्शन। स्ट्रेस मतलब एक बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है, वो किसी टाइप का भी रिएक्शन होता हो सकता है, फिजिकल भी, मेंटल भी एंड इमोशनली भी। मतलब फिजिकल मतलब हमारी बॉडी के पार्ट्स से कि हमें कोई बीमारी हो रही है या कुछ भी हो रही है। मेंटली मतलब हमें हमारे मतलब हम याददाश्त कमज़ोर हो रही है मेंटली से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम। इमोशनली हमारे जो फीलिंग्स हैं हम बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, मतलब हम बहुत जल्दी मतलब इमोशनल हो जाते हैं। वो चेंजेस जो होते हैं बॉडी में वो स्ट्रेस का कारण होते हैं। स्ट्रेस इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस एक नॉर्मल पार्ट होता है, स्ट्रेस आना ही होता है। स्ट्रेस एक नॉर्मल मतलब डेली इवेंट होता है कि हमें किसी ना किसी बात का स्ट्रेस डेली रहता है। यू हैव एन स्ट्रेस फ्रॉम योर एनवायरमेंट। सबसे ज़्यादा हमें इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट से स्ट्रेस होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट में ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से कि मतलब इतनी भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक है, किसी टाइप का भी स्ट्रेस हो सकता है इन्वायरमेंट में, जैसे पॉल्यूशन है या फिर इतना कूड़ा करकट सारे में बिखरा हुआ है, ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में आता है सब कुछ। तो हमें बॉडी से भी, योर बॉडी से स्ट्रेस होता है, बॉडी से मतलब हमें कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई हमें डिजीज़ हो रही है या फिर हम फीवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका भी हमें स्ट्रेस होता है कि हम कब ठीक होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बॉडी से तब हमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो वो हमारा नेगेटिव स्ट्रेस हो जाता है, हमें वो बढ़ता चला जाता है। एंड द फैमिली प्रॉब्लम, जैसे फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या फिर लड़ाई झगड़े या फिर कुछ भी, फैमिली प्रॉब्लम में, फैमिली प्रॉब्लम से भी हमें स्ट्रेस होता है। ठीक है, और स्ट्रेस भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। दो तरह के होते हैं, इसमें एक होता है ईयू स्ट्रेस यानी पॉजिटिव स्ट्रेस एंड द डिस्ट्रेस इज़ अ नेगेटिव स्ट्रेस। फर्स्ट जो है ईयू स्ट्रेस है, जो कि हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, कि मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है उसमें हमें ज़्यादा, उसमें हमें खुशी होती है, हम एक्साइटेड होते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस में। ठीक है, ईयू स्ट्रेस के अंदर हमें एक्साइटमेंट होती है कि अगर हमें जैसे हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, अभी एग्जांपल मैं बाद में दूंगी, पहले मैं इसके पॉइंट्स बता देती हूँ कि ये पॉजिटिव होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है। ईयू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस बहुत कम टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता। इसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये हमें मोटिवेट करता है। हमें इसमें फील मैनेजेबल, मतलब हमें इसमें लगता है कि हाँ, हम इस कंडीशन को, जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम मैनेज कर लेंगे, कि हम उसको किसी तरह से, हम मैनेजेबल होती है प्रॉब्लम जो होती है, जैसे नेगेटिव स्ट्रेस में मैनेजेबल फीलिंग्स नहीं आती कि ये हमारे साथ गलत ही होगा, पर इसमें मैनेजेबल होती है, जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसको हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। इसमें एक्साइटमेंट होती है, इंस्पायरिंग मतलब हमें इंस्पायर भी होता है, इस स्ट्रेस से हमें इंस्पायरिंग भी होती है। एग्जाम्पल से जैसे हम वैकेशन, ट्रेवल एंड हॉलीडे, अगर हम कहीं पर अपनी वेकेशंस में, छुट्टियों में, ट्रैवलिंग या हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो हमें एक पॉजिटिव स्ट्रेस है कि हम वहाँ पे घूमेंगे, इसकी सारी टर्म्स कंडीशंस बता रही हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग, कि हमें पॉजिटिव स्ट्रेस है वो कि हम घूमने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पर। पर जनरली वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब शॉर्ट टर्म यानी मतलब हम वहाँ पर घूमने जा रहे हैं पर हमें वहाँ से वापस आना भी है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। इम्प्रूव परफॉर्मेंस मतलब कि हमें, हम जा रहे हैं तो हमें पूरी तैयारी भी करनी पड़ेगी, है ना, तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें सामान वगैरह पैक करना पड़ेगा, तो इसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करते हैं। वहाँ पे हम जाएंगे
तो हमें तरह तरह की चीज़ मिलेंगी, तो मोटिवेट भी होगा उससे, ठीक है ना, फील मैनेजेबल कि हाँ अगर वहाँ पे कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, छोटी छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका हम फील मैनेजेबल होती है, एक्साइटमेंट होती है, इंस्पायरिंग होती है। तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, दो एग्ज़ाम्पल दिए हैं, बर्डन प्रेशर ऑफ एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम का अगर किसी को प्रेशर है, ठीक है, तो एग्ज़ाम हमारे एक शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव कि हाँ हमें एग्ज़ाम देना ही है, अगर हम एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और फिर हमारे मतलब पढ़ने के लिए एग्ज़ाम तो देने ही पड़ेंगे, तो हमारा पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें हम अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, मोटिवेट करता है हमें, फील मैनेजेबल कि हम अच्छे से तैयारी करके उसको पास क्लियर कर लेंगे, और एक्साइटिंग कि हमें एक्साइटिंग रहती है, एक्साइटमेंट रहती है कि हमने एग्ज़ाम दिया है कि आगे इसका कैसे रिज़ल्ट आएगा, एक्साइटमेंट उसको रिज़ल्ट को देखने के लिए, और ये हमें कुछ ना कुछ इंस्पायर भी करता है, एग्ज़ाम में हमने इतनी तैयारी की तो हमारे इतने मार्क्स आए, तो हम इंस्पायर भी होते हैं। यू स्ट्रेस हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, इससे हमें अपने मतलब जो पावर है उसको, मैन पावर उसको बढ़ाता है, मतलब पॉजिटिव होता है। सेकंड होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस जो होता है एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है, ये ह्यूमंस के लिए बहुत बेकार रहता है यू स्ट्रेस। अब देख लेते हैं, यू स्ट्रेस में एंजाइटी, सोरो और पेन ये नेगेटिव होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों का होता है, दोनों में होता है, डिक्रीज ओवरऑल परफॉर्मेंस, लॉस ऑफ मोटिवेशन, हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, फील कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो डिस्ट्रेस में जो पीपल हैं, पर्सन उसमें नेगेटिव सोचता है, और वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है ये, नॉट गेटिंग इन टू द कॉलेज ऑफ योर चॉइस, आवर चॉइस इज अ शॉर्ट टर्म, ठीक है। अगर हम किसी का डेथ हो जाती है जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो जाता है, वो हमारे लिए नेगेटिव स्ट्रेस बन जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो जाता है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, उससे हमारा मोटिवेशन भी कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, हमें एंजाइटी होती है हाई लेवल, और हम कन्फ्यूज रहते हैं, फील कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो इसका ही लॉन्ग टर्म एग्जांपल है। शॉर्ट टर्म एग्जांपल है कि हमें कॉलेज अपनी चॉइस का नहीं मिल पाता, तो ये भी हमारा एक डिस्ट्रेस का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप इसको लिख सकते हैं एग्ज़ाम में कि अगर कॉलेज हमें अपनी चॉइस का नहीं मिला, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में आएगा, शॉर्ट टर्म में कि हाँ कॉलेज अगर नहीं मिला है तो आगे हम मेहनत करेंगे और अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। हमारी इसमें परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो हम अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे, मोटिवेशन भी कम हो जाता है, एंजाइटी होती है, कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमें तो कॉलेज अच्छा नहीं मिला, ठीक है। इसके और एग्जांपल हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल एंड फिजिकल इलनेस, डिसीज, टेररिज्म, लॉस ऑफ जॉब, नेचुरल डिजास्टर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टर्म की हो सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कि अगर किसी को जल्दी जॉब मिल जाती है, अच्छा बिजनेस चलने लगता है, तो उसकी लॉन्ग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे अगर कोई उसका मोटिवेशन लेवल कम हो गया है, या फिर उसको मोटिवेशन ही नहीं है कि हाँ वो कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल पाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म में रह जाता है। मेंटल फिजिकल इलनेस मतलब मेंटल और फिज़िकल ये एक टाइप की दोनों ही हैं, कि अगर कोई मेंटल और फिज़िकल इलनेस यानी बीमारी से, डिसीज़ से अगर वो जल्द निकल जाता है तो वो शॉर्ट टर्म है, और लॉन्ग टर्म अगर वो निकल ही नहीं पाता तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। टेररिज्म एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है। टेररिज्म मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो टेररिज्म है, आतंकवाद, ये पीपल्स के लिए भी एक खतरा है, कभी भी वो कुछ भी अटैक वगैरह कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेस बना रहता है। लॉस्ट जॉब का लॉस्ट होना ये भी एक स्ट्रेस है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ही मानो, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नेचुरल डिज़ास्टर ये भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है कि कभी भी नेचुरल डिज़ास्टर आ सकता है, कि हमारी जो रिसोर्सेज कम होने की वजह से हमें इन खतरों का, नेचुरल डिज़ास्टर का सामना करना पड़ता है।
तो डिस स्ट्रेस में जो लोग होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। नेचर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इज़ ए न्यूचुरल वर्ड, ठीक है। स्ट्रेस एक तरह का वो बैड भी नहीं है और गुड भी नहीं है, मतलब जो कि मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए हैं इसमें वही आप लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज़ ए न्यूचुरल वर्ड। अब सेकेंड है, स्ट्रेस इज़ एसोसिएट विद कंट्रेंट्स एंड डिमांड्स, वो डिमांड्स और कंट्रेंट्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कंट्रेंट्स प्रिवेंट्स और इंडिविजुअल परफॉर्म डूइंग व्हाट ही और शी डिजर्व, अगर इफ़ ए पर्सन वांट्स टू बाय समथिंग बट ही डज नॉट हैव मनी, अगर कोई इंसान है और वो कुछ चीज़ें खरीदना चाहता है, वांट टू बाय समथिंग बट उसके पास मनी नहीं है, तो वो एक कंट्रेंट्स हो गया, कंट्रेंट्स। बट इट कंट्रेंट्स डिमांड्स रेफर टू लॉस ऑफ समथिंग डिजायर्स, इफ़ ए पर्सन वांट्स टू गो एंड वॉच मूवी बट ही इज़ अनेबल टू गो बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ वर्क, ठीक है। हमें स्ट्रेस दो तरह से भी हो सकता है, कंट्रेंट्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग। कंट्रेंट में आता है कि अगर किसी के पास, किसी को कुछ खरीदना है पर उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कंट्रेंट हो गया, उस कंट्रेंट के अंदर उसका स्ट्रेस है। बट अगर कोई एक इंसान है वो मूवी देखना चाहता है पर उसके पास मनी तो है पर उसके पास जाने का टाइम नहीं है क्योंकि उसके पास प्रेशर ऑफ ऑफिस वर्क, ठीक है, तो इसमें ये डिमांड स्ट्रेस हो गया। डिमांड तो है पर उसके पास टाइम नहीं है जाने का, तो इसलिए उसको स्ट्रेस हो गया, डिमांड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ नॉट सिंपल एंजाइटी, स्ट्रेस इज अ साइकोलॉजिकल इमोशनल वेज, स्ट्रेस ऑपरेट इन द साइकोलॉजिकल एज वेयर अलॉन्ग विद साइकोलॉजिकल स्पेयर्स। तो सिंपल एंजाइटी नहीं है जो स्ट्रेस है, बहुत एक तरह से नेगेटिव चीज़ है ये स्ट्रेस जो है। स्ट्रेस एक तरह से होना अच्छा भी है पर बेकार भी है, पर अगर हमें यू स्ट्रेस है तो वो बहुत अच्छा है, पर डिस स्ट्रेस इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स। एंड फोर्थ है, स्ट्रेस शुड ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम नर्वस और टेंशन। नर्वस और टेंशन जो होती है हमारी बहुत कम टाइम के लिए होती है, पर जो स्ट्रेस है वो हमारा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए होता है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी लंबा टाइम आ जाता है, तो हमारा जो नर्वस और टेंशन वो बिल्कुल डिफरेंट है स्ट्रेस से। अब इसका थर्ड है, द बर्नआउट इज ऑल्सो क्लोजली एसोसिएट विथ स्ट्रेस विद हेल्पिंग प्रेशर लाइक नर्सिंग एजुकेशन वर्क। अगर हमें कहीं जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, एजुकेशन से, सोशल वर्क से रिलेटेड, ये भी हमारे स्ट्रेस में ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो स्टडी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें, और मेरी सारी वीडियो आप देखिएगा। थैंक यू।